हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये फैराडे लॉस के बाद आता है। फैराडे लॉस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, आर यू श्योर? तो इसमें हम क्या चेक करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में कि प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे। जो इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक है उसमें जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, कि इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है। फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है या कंसंट्रेटेड लिया है। फिर डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे कि आपने जो इलेक्ट्रोड है वो थिन फॉयल्स ली हैं या सॉलिड मटेरियल लिया है, क्लियर। और लास्ट में है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आर यू श्योर? तो आप चेक कर लीजिए, ये पांच फैक्टर हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, यहां पर होना चाहिए नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस, पांचवे पर। तो आपके पास जो आएगा चेक कर लीजिए बेटे, तो पहले आएगा, तो अगर जो हम तो नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, आर यू ओके विद दैट? दोबारा चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देन है चार्ज डेंसिटी, और लास्ट में है नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये पांच फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा हमारा क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या आएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं अगर वो इनर्ट हैं, जैसे गोल्ड या प्लेटिनम हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ एनोड या कैथोड काम करेंगे। तो अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैथोड है, सिंक ऑफ, तो सोर्स क्या बनेगा, सोर्स जो है, क्योंकि कैथोड जो है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कंजम्पशन होगी, तो वो क्या होगा, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड वहाँ बनेगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन का सोर्स आएगा वो क्या होगा, एनोड, क्या होगा वो, एनोड बनेगा, आर यू श्योर? फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अगर रिएक्टिव होंगे तो कैथोड पर डिफरेंट रिएक्शन पॉसिबल होंगे, और अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं तो फिर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड लिया है वो रिएक्टिव है या इनर्ट है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में और इनर्ट इलेक्ट्रोड में डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे वो आयन पहले आएगा, ठीक है, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसका हाइयर वैल्यू ऑफ क्या होगा, SRP। जैसे मान लीजिए तीन आयन है, H प्लस है, Ag प्लस है, कॉपर प्लस है, इन तीनों की E नॉट वैल्यूज चेक कीजिए। तो E नॉट वैल्यूज चेक करने में क्या होगा, हाइड्रोजन की E नॉट वैल्यू 0 होती है, सिल्वर की 0.8 और कॉपर की 0.34। तो 0.8 क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट है और 0 लोएस्ट है, इसमें क्या हो गया, पहले Ag प्लस होगा वो डिवाइड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉपर डिवाइड होगा, और लास्ट में क्या होगा, जो H प्लस आयन्स हैं वो एज H2 गैस इलेक्ट्रोड से लिबरेट होंगे। एनोड पे क्या होगा, वो अनायन इलेक्ट्रॉन पहले लॉस करेगा जिसका SRP वैल्यू क्या होगा, लेसर होगा, और यहाँ इसका उल्टा क्या होगा, जिसका लेसर SRP होगा ऑब्वियस है, उसका हायर क्या होगा, SOP होगा, क्लियर। अब मान लीजिए दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हैं, एक है एलिमेंट ए का, दूसरा है एलिमेंट बी का, और जो एलिमेंट बी है उसका SRP हाइयर है, जिसका मतलब क्या हो गया, जो ए का अनायन है
वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इन कंपेरिजन टू बी। ठीक है, अब इन रूल के साथ साथ एक और रूल आएगा, उसका नाम होगा ओवर वोल्टेज। क्या होगा? ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज का एग्जांपल है आपके पास केस में, वो जैसे ही वो केस आएगा मैं आपको ओवर पोटेंशियल का, ओवर वोल्टेज का एक एग्जांपल दूंगा। तो ओवर वोल्टेज में क्या होता है, जो हमारे यहाँ रूल है वो वहाँ पर काम नहीं करते। रूल क्या है, कैथोड पर वो आयन डिपॉजिट होगा जिसकी SRP वैल्यू हाई है, और एनोड पर वो आयन डिपॉजिट होगा जिसकी SRP लोअर है। तो मेनली ये जो ओवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एनोड के लिए होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आने के चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया बाय टेकिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं क्या है ये, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स क्या है ये, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कौन से इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो जब आप कॉपर सल्फेट एक्वस लेंगे तो क्या होगा, तो इस सिस्टम के अंदर आपके पास जो कैटायन है वो है Cu2+ H+, क्लियर, और पानी। तो कैथोड के आसपास ये तीन स्पीशीज आएंगी, अनआयनाइज्ड वाटर, आयनाइज्ड वाटर और कॉपर आयन। क्लियर आपको ये बात। एनोड पे क्या क्या होगा, एनोड पे होगा सल्फेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन एंड अनआयनाइज्ड वाटर। तो ये OH और H+ कहाँ से आ रहा है, ड्यू टू द आयोनेशन ऑफ वाटर। तो ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे एनोड पर। तो जब आप कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो कैथोड के आसपास कौन कौन सी तीन स्पीशीज प्रेजेंट होंगी ज़्यादा अमाउंट में, तो आंसर है Cu2+ ion, H+ ion और वाटर। और यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट, OH और H+। अब आपको पता है यहाँ पे ये जो E0 Cu2+ है दैट इज ग्रेटर देन E0 ऑफ H+। इसमें क्या हो गया, इसका मतलब है कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, कैथोड पर रिएक्शन होगा Cu2+ ion विल एक्सेप्ट टू गिव यू कॉपर। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, ओनली एंड ओनली कॉपर आयन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट एज कॉपर। उसी तरह से क्या होगा, ठीक है, जो E0 आपके पास हाइड्रोक्सिल से ऑक्सीजन बनने की जो वैल्यू है वो क्या है, लेसर देन दैट ऑफ E0 ऑफ सल्फेट से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्योंकि लोअर SRP है, क्या है, यहाँ पर लोअर SRP है, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो लोअर SRP क्या होगा, वही रिएक्शन होगा, हाइयर SRP का रिएक्शन नहीं होगा, आर यू क्लियर दैट और नॉट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने में सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फर वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सल्फेट आयन्स हैं वहाँ पर सल्फर क्या है, वहाँ पर सल्फर +6 की फॉर्म में है। तो एनोड पे क्या होगा, इन केस ऑफ एनोड हाइड्रोक्सिल आयन लूज इलेक्ट्रॉन रैपिडली देन सल्फेट आयन। सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं इनके पास। सल्फर +6 में है, नाइट्रेट में, नाइट्रोजन +5 में है, तो इलेक्ट्रॉन होगा देंगे ना, जब है ही नहीं कहाँ देंगे। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे रिएक्शन होगा यहाँ पे इस केस में आपके पास जो 4H है होगा, ये एनोड पे प्रेफर रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी, आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके।
तो हाइड्रोक्सिल आयन विल लूज हाउ मेनी, विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए ये इलेक्ट्रॉन वाइज नेगेटिव और 4 नेगेटिव विल बैलेंस द 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। तो जो ऑक्सीजन गैस है जब वो इवॉल्व होगी तो उससे क्या होगा, तो कैथोड पे क्या बन रहा है, कैथोड बन रहा है कॉपर, और एनोड पे क्या बन रहा है आपके पास ऑक्सीजन, सल्फेट आयन नहीं होगा। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। याद रखिए जो आयन्स आपके एग्जाम में आएंगे उसमें क्या होगा, सल्फेट एनोड पर सबसे लास्ट में डिस्चार्ज होगा और आयोडाइड आयन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लियर नहीं किया आपको मेरी बात, तो यही आयन्स के अलावा आपको बाकी आयन्स आने की जरूरत नहीं है। तो ये आप याद रख लीजिए, आयोडाइड विल लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर देन ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर देन क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर देन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर देन नाइट्रेट, एंड नाइट्रेट विल लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर देन सल्फेट। तो ये इनका एनोड पे रिएक्शन है। तो एनोड पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आप इनर्ट इलेक्ट्रोड में सबमर्ज करेंगे तो कैथोड पर आपको कॉपर मिलेगा और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस की लिब्रेशन होगी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब देखिए कॉपर सल्फेट का एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस है बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। लास्ट केस में क्या पढ़ा था आपने, लास्ट केस में आपने पढ़ा था इनर्ट इलेक्ट्रोड। इस केस में क्या होगा, कॉपर सल्फेट डिप्ड इन कॉपर सॉल्यूशन। तो इस केस में मेजर बात क्या है, एनोड और कैथोड पर रिएक्शन का जो नेचर है जैसा होगा। जैसे मान लीजिए कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है कॉपर का, आर यू श्योर? तो कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, मटेरियल कौन सा है यहाँ पे, कॉपर का। तो सॉल्यूशन में आयन कौन कौन से हैं, कॉपर 2+, H+ और वाटर। तो ऑब्वियस है क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉपर 2+ आयन है फ्रॉम द सॉल्यूशन विल डिपॉजिट एज कॉपर। जो कॉपर 2+ है कहाँ से मिला, ये सॉल्यूशन से आया, ये कॉपर बनकर इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड पर चिपक गया। सो कॉपर व्हाट, कॉपर स्टिक टू द कॉपर कैथोड। ये जो तरीका है ये प्योरिफिकेशन ऑफ कैथोड के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ कैथोड के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्योरिफिकेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्योरिफिकेशन करेंगे किसकी, कॉपर की, इलेक्ट्रोलिसिस प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, उसमें हम क्या करेंगे, वी यूज ए थिन फॉयल ऑफ कॉपर एज कैथोड। क्लियर है? और जो इम्प्योर कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर एक्टिंग एज एनोड, किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, कि हमारे पास कॉपर ही एनोड है तो क्या होगा, एनोड से कुछ कॉपर आयन, एनोड पर कुछ कॉपर के जो आयन हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे कहाँ पर, एक्वस मीडियम में। इसका मतलब क्या हो गया, कैथोड पर और एनोड पर जो रिएक्शन है वो आपस में रिवर्सिबल है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर आयन ट्रांसफॉर्मिंग टू कॉपर, और एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर आयन्स आर बीइंग फॉर्म्ड। क्लियर आपको ये बात, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कैथोड और एनोड पर रिएक्शन सेम हो रहा है, बस उसका नेचर रिवर्स में है। एट कैथोड कॉपर आयन बिकमिंग कॉपर एंड एट एनोड कॉपर इज बिकमिंग कॉपर कैटन। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, तो आप चेक कर लीजिए, अब हमारे पास सिचुएशन आ गई कि कॉपर सल्फेट एक्वस, जब हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है
और कॉपर सल्फेट एक्वस जब आपने कॉपर इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, कॉपर ही एनोड है और कॉपर ही कैथोड है, तो इस केस में क्या है, कैथोड पर आपको क्या मिल रहा है, कैथोड पर आपको मिल रहा है कॉपर और एनोड पे आपको मिल रहा है ऑक्सीजन। इस केस में क्या है, कैथोड पे क्या मिल रहा है, कैथोड पर तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर और एनोड से क्या हो रहा है, एनोड से कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपसे पूछे कॉपर सल्फेट आपने नेट इलेक्ट्रॉन लिया है, कॉपर सल्फेट रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन लिया है, इन विच केस यू विल हैव ऑक्सीजन गैस लिब्रेशन, तो आंसर है ओनली इन केस ऑफ व्हाट, ओनली इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड द आंसर इज सेम। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज ये है कि कुछ गैसेस केस में जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है और ऑक्सीडेशन ऑफ OH2O2 है, दोनों केस में O2 बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू द एनोड इज काइनेटिकली स्लो, ये स्लो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इलेक्ट्रोलाइट से किस पे, इलेक्ट्रोलाइट से या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ, वो काइनेटिकली स्लो रहता है, काइनेटिकली क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, कारण क्या होता है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज, the slowness of this reaction, the slowness of this reaction at electrode create abha kya कि इसका कारण क्या होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की इस केसेस में वो ज़्यादा हो जाती है, क्लियर एंड क्लियर, तो उससे क्या होता है रिएक्शन स्लो हो जाता है, रिएक्शन क्या होता है स्लो हो जाता है, तो एक उससे स्लोएस्ट ऑफ रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होना शुरू होते हैं तो वो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसमें क्या हो गया ड्यू टू द काइनेटिकली स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ OH और काइनेटिकली स्लो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH टू द इलेक्ट्रोड क्या होता है, उस इलेक्ट्रोड की रिपल्शन बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्शन, टू ओवरकम द रिपल्शन, क्लियर, about that what does it do, so supplied extra voltage, so supplied extra voltage, supplied extra voltage is required to overcome the is required to overcome the resistance
ठीक है जी। दिस एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, दिस द एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड वोल्टेज, द एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इससे होता क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और हाइड्रोक्सिल आयन हैपन्स एट ए स्लाइटली हाइयर वोल्टेज, ठीक है, सो दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाइड इज एनफ टू ऑक्सीडाइज्ड क्लोराइड टू क्लोरीन। Because of its kinetic faster nature, kinetically faster nature. एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वे सोल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वे सोल्यूशन ऑफ एक्वेस सोल्यूशन ऑफ जो NaCl है is an excellent example of, is an excellent example of, is an excellent example of overvoltage. Clearly understood now? Sure. In this case, what will happen when aqueous NaCl has been taken, then add cathode, there are three ions are present, Na plus, H plus and water. Now since E naught of H plus 2H2 is greater than Na plus 2Na, so H plus ion will undergo reduction faster than this. So the first reaction is yes, but second reaction is no. So H plus transform into H2, that is true. Are you okay with that? But Na plus will not transform into Na. That reaction will not take place. Now at anode, these two reactions are possible. Water transform into O2 and chloride transform into chlorine gas. Now according to the SOP value, what should happen? According to the standard oxidation potential, what should happen? Oxygen should be liberated faster than that of chlorine. Oxygen should be liberated than chlorine, but that is wrong. What happens? Due to overvoltage, I told you already, due to overvoltage, go to the overvoltage concept once more. Due to overvoltage, what happens? Reaction 4 is preferred over, is preferred over reaction 3. Okay, so reaction number 3 will not happen. In place of that, reaction number 4 will happen despite being higher SOP. So
So this is due to what? This is due to the over voltage. This is due to the over voltage. The concept is already being told to you. Okay, bete? Now, if you take very diluted NaCl, if you take very highly diluted NaCl, then what will happen? Then at cathode, S2 gas release, and at anode, what will happen? At anode, this reaction is preferred. So, very little Cl2 is released. तो एनोड पे क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी. और कैथोड पे क्या होगा? सेम केस है. अच्छा, तो कैथोड पे कोई चेंज नहीं आएगा. कैथोड पे लास्ट केस में भी क्या था? H2 गैस रिलीज होती, यहाँ भी H2 रिलीज हो रही है. थोड़ा सा फर्क इस पे आएगा एनोड पे. पिछले केस में ड्यू टू ओवर वोल्टेज क्या था? इन द लास्ट केस ड्यू टू ओवर वोल्टेज क्लोरीन गैस इज बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द एनोड. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट लार्ज इनफ. तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन लार्ज नहीं है और जो क्लोराइड आयन्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं. तो क्लोराइड आयन को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में टाइम लगता है. और उस वक्त क्या होता है? जो OH है इट इज मच मोर इन प्लेंटी इन कंपेरिजन टू क्लोराइड आयन. व्हाई? बिकॉज सोल्यूशन इज इन्फिनाइट डाइल्यूटेड और हाईली डाइल्यूटेड. आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके. इफ यू हैव टेकन H2SO4 एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर टेकन दैट विद नॉर्मल करंट डेंसिटी व्हाट विल हैपन? विद नॉर्मल करंट डेंसिटी यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड एंड फॉर्मेशन ऑफ H2 एट कैथोड. Are you sure with that? Okay. Nice. Now, if you take H2SO4 now along with platinum electrode and at high current density, previous case is what? Previous case is low current density or normal current density. In this case, you have high current density. Then at anode, what will happen? At anode, here peroxo acid is being formed. What is that? Peroxo acid is being formed. This is the structure of peroxy acid. Are you okay with that? So at anode this would happen. Okay? Are you sure? Okay, now but at cathode what happens? At cathode the same reaction would happen. So whether it is low current density or high current density, cathode reaction is same. Cathode reaction is same. The only difference is what? The only difference is reaction at anode. Okay? At anode also the product is H2O8. Okay? Now if in this compound you add little bit of water, the product you will get is H2SO4 plus H2O2. Are you sure about that? So if you take peroxo sulfuric acid, what is that called? Peroxo, this bond is peroxy bond. What is that? Peroxy bond. This bond is what? This is peroxy bond. What is that bond? Peroxy bond. So if you take that into account, then on adding water to that, what will happen? On adding water to that, you will have formation of H2O2. So these are very, very important topic you have to memorize. Okay?
So please take care of all those things which are being told to you. Okay? Are you sure? Very much sure. So you have to memorize also one more thing. What is that? If you have silver nitrate in solution, then Ag plus ion discharged in preference to H plus ion. So solution become acidic. Solution become what? Solution become acidic. Similarly, in case of NaCl normal aqueous solution, what will happen? In this case, Cn negative becomes Cl2. Preferred reaction is this. So OH concentration increases. So solution becomes basic in nature. It becomes what? Basic in nature. So these things you have to memorize, that on deposition of what type of ion, if there is an increase in H plus concentration, the solution will become acidic. And if there is an increase in hydroxyl ion concentration in the solution, it will become basic in nature. Okay, so these finder point you have to understand. Okay, bete?